केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि देश को आजादी 1947 में मिली, जबकि किसानों को आजादी तो इन 3 अध्यादेशों के आने के बाद मिली है। ये अध्यादेश किसानों की तरक्की के लिए है। विपक्ष पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे किसानों को पूरी बात समझ आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। सुरजेवाला को तो मुंगेरी लाल के सपने आते हैं और मुंगेरी लाल के सपने आपने देखे होंगे जो सीरियल आता था कि आखिर में मुंगेरी लाल का हाल क्या होता था, तो वही हाल सुरजेवाला का होने वाला है। देखिए, मेरा प्रशासन को एक ही आदेश है कि नजायज शराब लाने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, बिकवाने वाला, लेने वाला कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। जो किसी भी तरह से इस नजायज काम के साथ जुड़ा है उस एक एक की खोज करके निकालो और उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसा है, देखिए वो जो बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित भी कर रहे हैं। और अब हरियाणा में हमने, क्योंकि ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं और उनकी कोई खबर नहीं लेता था, तो हरियाणा सरकार ने योजना शुरू कर दी कि हर होम आइसोलेशन वाले के हर दूसरे दिन घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनका स्वास्थ्य की जांच करेगी और उनको जरूरी आवश्यक दवाइयां देगी। और अगर कोई सीरियस केस होगा तो हमने 3 कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर्स हमने 3 बनाए हैं, एक रोहतक में, एक करनाल में और एक अग्रोहा में। 100-100 बेड के ये होंगे। यहाँ पर हर प्रकार के डॉक्टर होंगे, दवाइयाँ होंगी और ऑक्सीजन होगी। हर सीट पर वेंटिलेटर होगा ताकि जो टीम जाए अगर कोई क्रिटिकल केस हो तो उनको वहाँ भेजा जा सके। हमने पूरी तैयारी अपनी कर रखी है। नहीं देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि ये किसानों की तरक्की के लिए है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन किसानों को आज़ादी मिली है अब ये 3 अध्यादेश आने की वजह से। अब इसमें विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं और कुछ लोग गुमराह हो भी जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आएगी और इससे किसानी को फायदा होगा, किसान आगे बढ़ेगा और किसान तरक्की करेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।